देखिए तेजस्वी मंझे हुए खिलाड़ी हो गए हैं राजनीतिक, और खामोशी का मायने जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सीधी तौर पर ये कि जो भी कबूलनामा है उसमें कहीं भी प्रीतम का नाम नहीं है। जी हाँ, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि विजय सिन्हा ने कहा कि जो फोन आया था सिकंदर के ठहरने के लिए NHI गेस्ट हाउस में, वो प्रीतम की तरफ से था। सिर्फ यही एक बात है जो उनको तेजस्वी यादव से जोड़ती है, और क्योंकि राजनीति हो रही है तो राजनीति के तहत आरोप तेजस्वी पर लगेंगे। जवाब तेजस्वी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी तक सीधा आरोप नहीं लगाया, या फिर अगर पूछताछ के लिए प्रीतम को बुलाया जाएगा तो हो सकता है उसके बाद जवाब दिया जाएगा। लेकिन RJD की तरफ से जो प्रतिक्रिया है उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया कि मुद्दों से भटकाने के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी अभी कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अगर इस मामले में प्रीतम को बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए तो देखिए जरूर जाहिर तौर पर तेजस्वी को जवाब देना पड़ेगा। रोज एक के बाद एक खुलासे हो रहे इस मामले में। अभी आपने जो बताया कि जैसे आयुष का कबूलनामा सामने आ गया, वहां सिकंदर का नाम तो है, लेकिन सिकंदर के लिए प्रीतम ने कमरा बुक किया था, इस बात की भी पुष्टि हो गई। लेकिन क्या सिकंदर और प्रीतम के बीच ऐसा कोई तालमेल है, कोई गठजोड़ है इस सेटिंग को लेकर, यह सवाल अभी उठ रहा है। क्या सिकंदर को यह पेपर कहां से मिले, प्रीतम ने दिया फिर कोई किसी और ने दिए, यह सवाल अभी है। आखिर मास्टरमाइंड कौन है, ये सवाल भी अभी है। सिर्फ एक जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन सवाल यही कि आखिर इस पर तेजस्वी यादव अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। लेकिन अब अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं कि यहां पर जो छात्र आयुष गिरफ्तार हुआ है उसने कैसे अपने कबूलनामे के तहत बातें बताई है। वो कह रहा है कि मैं नीट की तैयारी के लिए कोटा गया हुआ था। पहली बात आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए, वो आयुष के पिता ने उसको कोटा से वापस आने के लिए कहा, फोन करके कहा कि बेटा वापस आ जाओ। पिता ने कहा कि परीक्षा पास कराने की सेटिंग हो गई है। देखिए उसके बाद कोटा से पटना आने पर हम सिकंदर के पास गए, वही सिकंदर जिसने पूरा लाइनअप किया था। वहां पर मुझे सवालों के उत्तर याद करवाए गए, रटवाया गया पूरा प्रश्न पत्र। इस बारे में पहले से मुझे कोई जानकारी नहीं थी, आयुष ने कहा, उसको नहीं पता था कि सब कुछ क्या हो रहा है। फिर वो कहता है कि परीक्षा देने के बाद मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, परीक्षा जैसी देकर आया पुलिस ने तुरंत आयुष को पकड़ लिया, अभी भी वो गिरफ्त में है। और आपको बता दें कई बड़े खुलासे और हो रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि आयुष ही नहीं, इसके अलावा और भी ऐसे छात्र हैं जिनके कबूलनामे में साफ है कि उनको पेपर अटवा कर एग्जाम दिलवाया गया। इसी बीच अगली खबर आपको गायत्री बताएंगी। बिल्कुल, तो ये नीट पेपर लीक मामला जिसमें लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सरकार भी इसको लेकर एक्शन मोड पर नजर आ रही है। और इस बीच जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है जिसपे सवाल भी उठाए जा रहे हैं वो हुआ है बिहार से। बिहार में चार छात्रों की तरफ से कई बड़े खुलासे किए गए, और क्या कुछ कहा है उन्होंने आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। प्रीतम कुमार यहीं पर PS थे, घोटाला RJD के DNA में, नीट में जो बड़े बड़े लोग हैं, किंग पिन है, उनको बचाने के लिए आप झूठी कहानियां कर रहे हो। नीट पेपर लीक को लेकर बिहार से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब पेपर लीक केस में गिरफ्तार अनुराग और उसके फूफा सिकंदर का लालू और तेजस्वी से सीधा कनेक्शन जुड़ रहा है। एक तरफ बिहार के DPCM विजय कुमार सिन्हा ने इस मामले का सीधा तेजस्वी यादव से कनेक्शन निकाल दिया है, तो वहीं इस मामले में एक के बाद एक खुलासा करके इस विवाद को अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। विजय कुमार सिन्हा का सीधा आरोप है कि इस मामले में जो कुछ भी सामने आया उसका सीधा कनेक्शन तेजस्वी यादव से जोड़ा है। NHI गेस्ट हाउस मैं जो लोग पकड़ाए हैं, कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक, उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व DPCM तेजस्वी यादव से जुड़े हैं, जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके PA से, उनसे जुड़े लोग हैं जो चर्चा में है। तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। BJP का दावा है कि लालू परिवार से नीट पेपर लीक के आरोपी सिकंदर का पुराना संबंध है, और इसलिए तेजस्वी यादव के कहने पर ही उनके PS ने दोनों के लिए गेस्ट हाउस में रूम बुक करवाया। इसलिए बिहार के DPCM विजय कुमार सिन्हा तेजस्वी यादव पर सीधा प्रहार करते हुए सवाल पूछ रहे हैं कि तेजस्वी बताएं कि नीट पेपर लीक केस के आरोपी सिकंदर से उनका क्या संबंध है। सिकंदर कुमार के नाम से बुक करा के अनुराग यादव को ठहरवाया, ये सिकंदर कुमार जो नीट परीक्षा के अभ्यर्थी को परीक्षा में धांधली की जो विषय आई है, यह पूरा मामला है। मैं मांग करूंगा कि इन लोगों के
उच्च स्तरीय जांच हो, सत्ता में रहते हैं तब भी नियुक्ति में घोटाला करते हैं और सत्ता से बाहर रहते हैं तब भी नियुक्ति को प्रभावित करने का खेल खेलते हैं। तो अभी नेता प्रतिपक्ष जवाब दें कि ये प्रीतम कुमार आपके साथ था या नहीं। वहीं जेडीयू भी इस मामले में तेजस्वी पर हमलावर है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा करते हुए कई सवाल दाग दिए, जिस पर अभी तक तेजस्वी यादव ने कोई जवाब नहीं दिया है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव की खामोशी ही उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही है। माननीय तेजस्वी यादव जी को कभी मनी से प्रेम होता है, कभी प्रीतम से प्रेम होता है। तेजस्वी यादव की जुबान इस पर खामोश है और उन्हीं के परिवार के अनुराग कुमार की गिरफ्तारी होती है तो आखिर राज क्या है? तेजस्वी यादव हर सवाल पर बोलते हैं और नीट के सवाल पर आपकी जुबान खामोश, खामोशी का राज क्या है? यह तेजस्वी यादव को स्पष्ट करना चाहिए। आप नीट में जो बड़े बड़े लोग हैं, किंगपिन है, एक जिले के लोग हैं, पूरे देश में वो नेटवर्क है और उस नेटवर्क को बचाने के लिए आप झूठी कहानियां कर रहे हो। किस तरह की जुबान विजय सिन्हा जी बोल रहे हैं, जो खुद ही कबूल चुके हैं कि गेस्ट हाउस में उनके पीएस प्रदीप श्रीवास्तव रूम बुक कराते हैं। आरजेडी भले ही लाख सफाई देने की कोशिश करे लेकिन इन तमाम आरोपों पर तेजस्वी यादव की खामोशी कहीं न कहीं बीजेपी को सवाल खड़े करने की वाजिब वजह दे रही है। और यही वजह है कि बीजेपी अब फ्रंट फुट पर है और इस मामले में दो रोज पहले तक हो हल्ला मचा रहे आरजेडी नेताओं को सफाई देते नहीं बन रहा। घोटाला आरजेडी के डीएनए में है और नीट परीक्षा में क्लियर हो गया कि तेजस्वी यादव के सहयोगी ने उसको बुक कराया था और ये आज जो पेपर लीक हुआ है नीट का, उसमें तेजस्वी यादव का हाथ है। बहरहाल नीट परीक्षा पेपर लीक में एक तरफ बीजेपी बहुत जल्द बड़ा खुलासा करने का दावा कर रही है तो वहीं आरजेडी का दावा है कि बीजेपी तेजस्वी पर आरोप लगाकर मामले को घुमा रही है। कुल मिलाकर इस मामले में राजनीति फुल स्पीड में जारी है, जबकि बच्चे इस उम्मीद में बैठे हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।